आज हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो 2025 में आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर आपको 125 सेगमेंट से लेके 450 सेगमेंट तक बाइक देखने को मिल सकता है। और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप अगर कोई बाइक लेने के लिए प्लान कर रहे हो ना, तब जाके ये वीडियो भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू 0.5 राइडर्स एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का इस लिस्ट की नंबर 1 पर आता है एक ट्विन सिलेंडर का बाइक। भाई आपको फर्स्ट टाइम इस बाइक को देख के प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस बाइक की जो लुक्स है, जो स्पेसिफिकेशन है, जो टॉप स्पीड है ना, आपको काफी अच्छा लगेगा। फिलहाल बात करते हैं इस बाइक के बारे में। सो ये जो बाइक आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, ये बाइक इंडियन ट्विलर मार्केट पे 2025 में ही लॉन्च होगा। और बात करते हैं इस बाइक के बारे में, सो ये जो बाइक है आने के बाद KTM ड्यूक 390, BMW G310 एंड अपाची RTR 310 जैसे बाइक के साथ कम्पीट करेगा। फिलहाल इस बाइक के लिए अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो भाई स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बाइक के अंदर आता है 455.7cc का एक ट्विन सिलेंडर इंजन, जहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग के साथ 6-speed गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। और इस बाइक के अंदर पावर की अगर बात किया जाए तो 48 bhp का पावर प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आपको 43.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और इतना ज्यादा पावर एंड टॉर्क के साथ 200 km/h की टॉप स्पीड इजिली अचीव कर सकते हो। बात किया जाए अदर्स फीचर्स के बारे में, सो इस बाइक की जो लुक्स है भाई, आपको फर्स्ट टाइम देखकर ही प्यार आ जाएगा। फ्रंट हेडलैम्प की अगर बात किया जाए तो काफी ज्यादा न्यू एंड अग्रेसिव हेडलैम्प आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको LED हेडलैम्प एंड LED DRL नोटिस हो जाएगा। एंड इस बाइक के अंदर ना जो फ्रंट हेडलैम्प है, छोटा सा यानी कि स्मॉल स्पॉइलर भी यूज किया गया है, जिसके कारण बाइक की जो हेडलैम्प है काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। टेल लैम्प की अगर बात किया जाए तो बहुत ही शार्प टेल लैम्प है जो की LED के साथ आ रहा है। LED इंडिकेटर्स यूज किया गया है इस बाइक के अंदर, आपको हैजर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। और इस बाइक के अंदर ना एक बहुत ही अच्छा चीज मुझे देखने को मिला, वो है कुछ ऑथेंटिक एक्सेसरीज। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर क्विक शिफ्टर ऊपर जो रेड कलर दिख रहा है भाई, काफी ज्यादा प्रीमियम नजर आ रहा है। आपको दूसरे बाइक की कंपैरिजन में ना इस बाइक को थोड़ा सा अलग दिखाता है। और यहाँ पर देख सकते हो चेन के ऊपर भी कुछ रेड टाइप की स्ट्रैप है, जिसके कारण बाइक की लुक्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। चाहे वो ब्रेक लीवर हो, क्विक शिफ्टर हो, या फिर चेन हो, सीट कावल हो, जगह जगह पर ना आपको ये रेड कलर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण बाइक की जो प्रीमियम और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और बात किया जाए इस बाइक की फ्रंट टायर, रियर टायर के बारे में, सो फ्रंट पर तो आपको 110/70 सेक्शन का एक सुपर वाइड टायर देखने को मिल रहा है। रियर पर 150/70 सेक्शन का टायर मिल रहा है। फ्रंट पर 41 mm की एक USD सस्पेंशन दिया गया है। वही रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोस्पोक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जा रहा है। ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल चैनल ABS है, और ये ABS ना स्विचेबल ABS है। और इसके अंदर फ्रंट पर आपको 320 mm का डिस्प्ले यूज किया गया है, वही रियर पर 220 mm का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों बात किया जाए अदर फीचर्स के बारे में, सो इस बाइक के अंदर भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लिपर क्लच, क्विक शिफ्टर और बाइक के अंदर स्विचेबल ABS मोड और भी काफी सारा मोड्स आपको देखने को मिल रहा है, जो कि जब आप राइड करोगे इस बाइक को तब आपको पता चलेगा दोस्तों। सो आप अगर इस बाइक के लिए एक्साइटेड हो सो प्लीज कमेंट करके बताना। और ये जो बाइक है भाई, दो कलर के साथ आ रहा है, एक है पिराना रेड एंड दूसरा पोमा ग्रे। सो ये बाइक इस कलर के साथ आ रहा है, ट्विन सिलेंडर का इंजन है। अब बात करते हैं इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइसेस के बारे में। सो इतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन, इतना प्रीमियम एक बाइक आपको ऑफर किया जाएगा इंडियन ट्विलर मार्केट पे, तो इसका प्राइस भी भाई थोड़ा सा प्रीमियम ही होगा ना। सो इस बाइक की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है दोस्तों 4 lakh rupees, यानी कि इस बाइक की ऑन रोड प्राइस 450 तक जा सकता है। सो आप कमेंट करके बताना आपको ये बाइक एक्चुअल में कैसा लगा। नंबर 2 पर आता है बहुत ही शानदार एंड बेहतरीन बाइक, जो कि भाई हक्सबर्ना 125 इंडियन ट्विलर मार्केट पे जब ये लॉन्च होगा 2025 में, इसके अंदर ना आपको KTM ड्यूक 125 का ही इंजन देखने को मिलेगा। बट ड्यूक 125 की जो ऑन रोड प्राइस है, उस प्राइस से काफी कम में आपको यह बाइक इंडियन ट्विलर मार्केट पे मिल जाएगा दोस्तों। इस बाइक का ऑन रोड प्राइस 1,50,000 से लेके 1,55,000 तक जाने वाला है, जिससे भाई आप ना इस बाइक के बारे में एक बार के लिए तो सोच सकते हो। बट ये 125 सेगमेंट का बाइक है, इंजन है, जो स्पेसिफिकेशन है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन यूज किया जा रहा है, जहाँ पर
6 स्पीड गियर बॉक्स एंड लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। बात किया जाए पावर के बारे में, इस बाइक के अंदर 14.5 बीएचपी पावर यानी कि लगभग मान लीजिए 15 बीएचपी तक पावर आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ ना 12 एनएम का टॉर्क आपको देखने को मिल जा रहा है और इस बाइक के अंदर 9.5 लीटर का एक फ्यूल टैंक ही है। एंड टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए तो लगभग ये जो बाइक है 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव करेगा। और इसके जो लुक्स है ना वो हक्स भरना जो ब्रॉड सीसी के साथ आता है सेम लुक्स के साथ आपको ऑफर किया जा रहा है। अब बात किया जाए फ्रंट एंड रियर साइड के बारे में, तो फ्रंट पर आपको 43mm का एक ब्रॉड यूएसटी सस्पेंशन दिया जा रहा है जिसके कारण बाइक की जो लुक्स है जो कॉर्नरिंग हैंडलिंग है वो काफी ज्यादा कम्फर्ट आपको फील करवाएगा। रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन भाई बाइक की लुक्स और भी बेहतर बना देता है। बाइक की फ्रंट पर यूज किया गया एक ब्रॉड टायर 110x76 इंच का टायर, वही रियर पर 150x66 इंच का एक सुपर वाइड टायर यूज किया गया है। 125 सेगमेंट का बाइक है जिसका ऑन रोड प्राइस 1,50,000 के बीच में रहने वाला है और इतना ज्यादा फीचर्स लोडेड होने वाला है। सो आप भाई डेफिनेटली कमेंट करो आपको यह बाइक कैसा लगेगा अगर 2025 में लॉन्च होगा और आप लेना चाहते हो कि नहीं, यह भी कमेंट करके बताओ। अदर फीचर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इस बाइक की जो मीटर कंसोल होगा वो फुल्ली डिजिटल के साथ आएगा, जहाँ पर काफी सारे बेसिक फीचर्स जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्टैंड का टॉप सेंसर और जो आजकल की बाइक के अंदर आ रहा है ब्लूटूथ ट्रांसमिटर नेविगेशन का ऑप्शन वो भी आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 3 पर आता है बजाज पल्सर RS 400। भाई काफी लोग ना इंतजार कर रहा है कि एक्चुअल में ये बाइक कब तक इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होगा, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा काफी जल्दी 2025 में इस बाइक को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल बात करते हैं इस बाइक की लुक्स एंड इंजन के बारे में। सो इस बाइक के अंदर जो इंजन यूज किया जाएगा वो बिल्कुल NS 400 की कॉपी एंड पेस्ट किया जाएगा, यानी कि NS 400 की जो इंजन है उसे यूज किया जाएगा RS 400 के अंदर। सो बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन होगा जहां पर लिक्विड कूलिंग के साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं पावर के बारे में, सो इस बाइक के अंदर 40 bhp पावर के साथ 35nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा और ये जो बाइक है टॉप स्पीड अचीव करेगा दोस्तों 175 किलोमीटर पर आवर की, ये आप लिख के ले लो। और इस बाइक के अंदर ड्यूल चैनल ABS और ये ABS स्विचेबल होगा जैसे कि NS 400 पर आता है। काफी सारा मोड्स आपको देखने को मिलेगा जैसे कि रेन रोड ऑफ रोड एंड स्पोर्ट्स मोड आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल होगा, यहाँ पर TFT कंसोल भी आ सकते हैं इस बाइक के अंदर, जहां पर आपको दोस्तों ब्लूटूथ नेविगेशन जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं टायर साइज के बारे में, सो फ्रंट की जो टायर है वो 110x76 इंच का होगा एंड रियर की जो टायर है वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा NS 400 से, 150x66 इंच का रियर टायर होगा। एंड इस बाइक के अंदर भाई फ्रंट पर यूएसटी सस्पेंशन, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आप देखने को मिल जाएगा। अब बात करें जो ओवरऑल लुक्स के बारे में, सो इसका लुक्स थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है फ्रंट साइड पर एंड रियर पर। जो टेल लैंप को लेके लोगों का कंप्लेन था ना वो एक्चुअल में अब चेंज होगा एंड RS 400 को छोड़ के RS सीरीज का और भी काफी सारा बाइक इंडियन टूलर मार्केट पर आने वाला है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन पर मिल जाएगा। नंबर 4 पर आता है भाई कावासाकी की ओर से एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक को लॉन्च किया जाएगा इंडियन टूलर मार्केट पे, वो भी 2025 में और ये है दोस्तों कावासाकी निंजा 125। अब आपको लग सकता है कि भाई कावासाकी ने कब बताया भाई वो 125 सेगमेंट का बाइक लॉन्च करेगा, तो जी हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा ऑलरेडी कावासाकी ने इस बाइक को ना बांग्लादेश मार्केट पे लॉन्च के रखा है जहां पर काफी ज्यादा फेमस हुआ है। एंड इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर 125 सेगमेंट का भी बाइक बिकेगा और भाई 1000 सीसी का भी बाइक बिकेगा और कावासाकी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करेगा। सो भाई आपको यह बाइक इंडियन टूलर मार्केट पे 2025 पे मिलने वाला है। फिलहाल बात करते हैं इस बाइक का कंपटीटर कौन कौन होगा। सो इस बाइक का जो कंपटीटर बाइक आज की डेट पे है वो सिर्फ और सिर्फ KTM ड्यूक 125 ही हो सकता है, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो इंजन है ना वो काफी इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि 125 सीसी का इंजन होगा जहां पर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का ही इंजन होगा। पावर आपको यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल जा रहा है जैसे कि 15 bhp तक पावर है और 12 nm का टॉर्क, और आप इतना ज्यादा पावर के साथ 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इजीली अचीव कर सकते, क्योंकि इस बाइक के अंदर लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन आएगा एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो इंजन काफी अच्छा है बाइक का। बट अब बात करते हैं लुक्स के बारे में, सो एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक जहां पर आपको काफी सारा फीचर्स के साथ इस बाइक के अंदर काफी सारा कलर ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जा रहा है, जहां पर आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है, व्हाइट, ब्लैक एंड ऑल ब्लैक्स के साथ आपको यह बाइक मिलने वाला है इंडियन टूलर मार्केट। अब देखो फ्रंट पर
आपको USD सस्पेंशन तो नहीं मिलेगा, बट फ्रंट पर आपको 37mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। और इस बाइक की टायर साइज भी उतना ज्यादा फैट नहीं है, फ्रंट पर 100x80 का टायर मिलने वाला है और रियर पर आपको दोस्तों 130x76 का टायर मिलने वाला है। बट ये जो बाइक है ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ आएगा, सिंगल चैनल ABS इस बाइक के अंदर आपको मिल जा रहा है और इस बाइक के अंदर स्लिपर क्लच, क्विक शिफ्टर का भी ऑप्शन होगा। और इसका जो मीटर कंसोल है वो भाई डिजिटल मीटर कंसोल तो होगा बट व्हाइट एंड ब्लैक के साथ आएगा। और इस बाइक के अंदर भाई जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ब्लूटूथ, टर्न बटन, नेविगेशन जैसे फीचर्स भी आपको मिलने वाला है। और इस बाइक के अंदर लगभग आपको भाई 40 से लेके 45 km तक माइलेज भी मिलने वाला है। सो आप कमेंट करके बताओ अगर ये लॉन्च होता है तो आप KTM ड्यूक 125 लेना चाहते हो या फिर कावासाकी निंजा 125 को आप परचेस करना चाहते हो, डेफिनेटली कमेंट करके बताओ भाई। नंबर 5 पर आता है कावासाकी की ओर से और एक बाइक जो कि भाई नेकेट कैटेगरी के अंदर लॉन्च होगा, वो है दोस्तों कावासाकी Z125। जी हाँ दोस्तों, कावासाकी दो मॉडल को इंडियन टूलर मार्केट पे लॉन्च करेगा। एक होगा स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर निंजा 125, दूसरा नेकेट कैटेगरी के अंदर Z125। दोनों ही बाइक के अंदर सेम इंजन यूज किया जाएगा। जैसे कि इस बाइक के अंदर जो इंजन यूज किया जा रहा है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पर भाई सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve का ही इंजन दिया जाएगा, जहाँ पर आपको 125cc के साथ लिक्विड कूलिंग का इंजन जो कि 6-speed गियर बॉक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं पावर के बारे में। So, इस बाइक के अंदर भी आपको 15 bhp तक पावर, 12 nm का टॉर्क इस बाइक के अंदर यूज किया जाएगा। और इस बाइक के अंदर भाई काफी सारा फीचर्स आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि भाई क्विक शिफ्टर, स्लिपर क्लच का ऑप्शन। इस बाइक की फ्रंट पर भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा जो कि 37mm का, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन अब आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट पर जो हेड लैम्प है वो आपको एलईडी के साथ मिलेगा एंड रियर पर टेल लैम्प आपको एलईडी के साथ देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी के साथ ही मिलने वाला है। बट इस बाइक के अंदर आई थिंक USD सस्पेंशन अगर होता तब जाके भाई ये बाइक जो है KTM ड्यूक 125 से और भी बेहतर तरीके से टक्कर ले पाता। बट इसकी फ्रंट पर USD की जगह भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज किया गया है। फिलहाल इस बाइक की और भी स्पीचेस के बारे में अगर बात किया जाए तो फ्रंट पर 100x80 का टायर देखने को मिलेगा, वही रियर पर आपको 130x76 का टायर देखने को मिलेगा। इसकी कंपैरिजन अगर KTM ड्यूक 125 से किया जाए तो KTM ड्यूक 125 के अंदर 110x76 का फ्रंट टायर आता है, रियर पर 150x66 का सुपर वाइड टायर आता है। सो यहाँ पर ना आपको USD सस्पेंशन, ब्रॉड टायर मिल रहा है जो कि आपको Z125 पर देखने को नहीं मिलेगा। बट पावर भी दोनों बाइक के अंदर ही लगभग सेम ही देखने को मिल जाता है। बात किया जाए टॉप स्पीड के बारे में, सो इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड ये अचीव करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड कूलिंग के साथ 6-speed गियर बॉक्स है एंड 15 bhp तक पावर यूज किया जा रहा है। और बात किया जाए इस बाइक की और भी अदर फीचर्स के बारे में, सो यहाँ पर कुछ कलर ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है, जैसे कि ऑल ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक के साथ एक ग्रीन कलर भी आपको देखने को मिलेगा जो कि कावासाकी का सिंबल कलर है। और ये जो बाइक है भाई इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे 2025 में लॉन्च किया जाएगा एंड दोनों ही बाइक को सेम डेट पे लॉन्च किया जाएगा, निंजा 125 एंड Z125। ऑलरेडी ये बांग्लादेश मार्केट पे है, काफी ज्यादा फेमस है। आप कमेंट करके बताओ जब ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे आएगा क्या आप इस बाइक को लेना चाहते हो। और इस बाइक की एक शोरूम प्राइस जो है भाई 1,60,000, यानी कि ऑन रोड प्राइस 2 लाख तक जा सकता है। भाई बहुत ही ज्यादा प्राइसेस है। आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा और आप क्या इस बाइक को लेना चाहते हो या फिर नहीं। दोस्तों नंबर 6 पर आता है भाई KTM ड्यूक 125 का 2020 वाला मॉडल, यानी कि न्यू मॉडल का 125 ड्यूक। और ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे 2025 की फरवरी तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इस बाइक की जो लुक्स रहने वाला काफी अग्रेसिव है, आपको भाई डेफिनेटली पसंद तो आएगा। बट इसका जो प्राइसेस है ना भाई मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया भाई। 2 लाख रुपया, देखिए क्या आप एक 125 सेगमेंट का बाइक लेना चाहते हो? भाई मत लो भाई। पता है इस बाइक के अंदर काफ़ी सारा फीचर्स है, स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा है, बट है तो एक 125 सेगमेंट का बाइक ना, जहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर, 4-stroke 4-valve का इंजन तो दिया जा रहा है, 6-speed गियर बॉक्स भी है, लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी आता है। इस बाइक के अंदर पावर की अगर बात किया जाए तो 14.7 bhp तक पावर आता है, वहीं पर आपको यहाँ पर 11.5 nm का टॉर्क मिल जा रहा है। सो ये जो है आप इस बाइक को लेके ना मैक्सिमम 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो। और आपके सामने से अगर कोई 200 सेगमेंट का बाइक लेके आगे निकल जाएगा तब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि 2 लाख रुपीस के अंदर आज की डेट पे काफ़ी सारा बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे आपको मिलने वाला है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन चेक कर लीजिए, ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा है कि बेस्ट बाइक इन 2 लाख रुपीस। और बात कीजिए इस बाइक के बारे में,
सो बाइक काफी अच्छा है, शानदार है, सब कुछ है बाइक के अंदर। स्लिपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, सुपर मोटो मोड, टीएफटी स्क्रीन, यूएसटी सस्पेंशन, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, 150/60 का टायर, 110/70 का टायर। भाई हर एक चीज में ड्यूक 125 बेहतर है, बट इसके अंदर 125 सेगमेंट का इंजन आता है जहां पर आपको पावर काफी कम मिल रहा है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं 2 लाख रुपये आपका अगर बजट है तो उसी बजट के अंदर आपको और भी बेहतर बाइक मिल सकता है आज की रेट पे। और आप अगर 30,000 एक्स्ट्रा देना चाहते हो तब जाकर भाई NS 400 जैसे बाइक अब आपको मिल सकता है इंडियन टूलर मार्केट पे। तो भाई KTM ड्यूक 125 को अब बिल्कुल ही मत लो, या फिर आपको अगर बहुत ज्यादा पसंद रहता है तब जाकर आप परचेस कर सकते हो, बट मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और आप कौन सी बाइक लेना चाहते हो, आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट करके जरूर शेयर करो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।